क्लास 7 मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट इंटीजर्स में एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 8 है। अ सीमेंट कंपनी अर्न्स अ प्रॉफिट ऑफ रुपीज 8 पर बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट सोल्ड एंड अ लॉस ऑफ रुपीज 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट सोल्ड। क्वेश्चन में यहाँ पे बोला गया है कि एक सीमेंट कंपनी है जो कि एक व्हाइट सीमेंट के बैग को बेचने पर 8 रुपए का प्रॉफिट होता है। मान लीजिए एक व्हाइट सीमेंट बैग है, जो भी रेट होगा उसमें 8 रुपए का प्रॉफिट सीमेंट कंपनी को होता है। एंड लॉस ऑफ रुपीज 5 पर बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, एंड वहीं पे यह सीमेंट कंपनी ग्रे सीमेंट भी बेचती है, और एक बैग ग्रे सीमेंट बेचने पर 5 रुपए का लॉस होता है। इसमें प्रॉफिट को हमें पॉजिटिव इंटीजर से एंड लॉस को निगेटिव इंटीजर से शो करेंगे। भाई प्रॉफिट हो रहा मतलब कुछ अर्न हो रहा है, कुछ पॉजिटिव हो रहा है, लॉस हो रहा मतलब कुछ निगेटिव हो रहा है। एंड डाटा जो दिया है पहले हम उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। प्रॉफिट ऑफ वन बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, व्हाइट सीमेंट में कितना प्रॉफिट होता है रुपीज 8 का। देन लॉस ऑफ वन बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, ग्रे सीमेंट में लॉस होता है 5 रुपए का, तो लॉस में हमें माइनस का यूज करना है। देन कंडीशन ए है द कंपनी सेल्स 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट। ये सीमेंट कंपनी व्हाइट सीमेंट का 3000 बैग बेच लेती है एंड 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट इन अ मंथ एंड 5000 बैग ग्रे सीमेंट का बेचती है एक महीने में। देन व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो हमें बताना है कि व्हाइट सीमेंट बैग एंड ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर एंड व्हाइट सीमेंट में प्रॉफिट हो रहा है 8 रुपए का एंड ग्रे सीमेंट में लॉस हो रहा है 5 रुपए का, तो इतने बैग बेचने के बाद सीमेंट कंपनी को नेट प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, हमें यही बताना है। तो ए नंबर करते हैं। पूछा गया है 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, यदि व्हाइट सीमेंट का एक बैग हम बेचें तो 8 रुपए का प्रॉफिट होता है, तो 3000 बैग बेचने पर कितना प्रॉफिट होगा, जस्ट 8 को मल्टीप्लाई कर देना 3000 से, तो पता चल जाएगा 3000 बैग का प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रॉफिट ऑफ 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट, तो यहाँ पे 3000 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई का तरीका मैंने क्या बताया है, नॉन जीरो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे एंड जितने जीरो है उसको बाद में लिख देंगे, तो 8 3 24 एंड 30 है, तो यहाँ पे हमको यही लिखना है 24 देन 30 मींस 24,000 रुपए का प्रॉफिट होता है 3000 बैग ऑफ व्हाइट सीमेंट बेचने में। अब निकाल लेते हैं लॉस, जो कि 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बेचने पर मिलता है, तो लॉस ऑफ 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट, तो यहाँ पे 5000 को -5 से मल्टीप्लाई करना है। क्यों? क्योंकि एक बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बेचने पर -5 का लॉस होता है, तो 5000 बैग ऑफ ग्रे सीमेंट बेचने पर 5000 इंटू -5 का लॉस होगा, तो यहां भी नॉन जीरो नंबर का आपस में मल्टीप्लाई करना है, मतलब 5 5 25 एंड 30 है एंड ये पॉजिटिव है ये निगेटिव है, मीन्स प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, 10 25 एंड 30 मीन्स 25,000 रुपए का लॉस हो रहा है ग्रे सीमेंट बेचने पर। अब हमें यहाँ पे निकालना है टोटल प्रॉफिट हो रहा है या लॉस हो रहा है और कितना हो रहा है, तो निकाल लें यहाँ पे टोटल प्रॉफिट और लॉस। टोटल के केस में क्या करते हैं, ऐड करते हैं, तो दोनों को हम ऐड कर दें, फर्स्ट 24,000 है, देन ऐड करना है -25,000 से, इसे सिंप्लीफाई कर लें, तो फर्स्ट तो 24,000 ही है, देन प्लस इंटू माइनस माइनस 25,000। अब यहाँ पे 24,000 पॉजिटिव इंटीजर है एंड 25,000 निगेटिव इंटीजर है, तो डिफरेंट इंटीजर में नंबर सब्ट्रैक होगा, वही बड़े नंबर से छोटा नंबर सब्ट्रैक होगा, मींस 25,000 से 24,000 सब्ट्रैक होकर 1,000 आ जाएगा, एंड बड़ा नंबर 25,000 है, बड़े नंबर के पहले माइनस का साइन लगा है तो आंसर में माइनस का साइन आएगा। अब यहाँ पे -1,000 आया है मतलब कि लॉस हुआ है, तो यहाँ पे हमें बता देना है कि सीमेंट कंपनी को लॉस हुआ है 1000 रुपए का, है ना। यहाँ पे मैंने माइनस नहीं लगाया क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉस लिख दिया है, लॉस का मतलब ही होता है निगेटिव, एंड क्वेश्चन में ही पूछा गया था ना व्हाट इज इट्स प्रॉफिट और लॉस, तो हमने बता दिया लॉस 1000 रुपए का। एंड बी में पूछा गया है
What is the number of white cement bags it must sell to have neither profit nor loss? If the number of grey bags sold is 6,400 bags. बड़े ध्यान से सुनिएगा कि हम कितने नंबर ऑफ बैग व्हाइट सीमेंट के बेचे, मतलब व्हाइट सीमेंट के कितने बैग हम बेचे कि ना हमें प्रॉफिट हो और ना ही लॉस हो। जैसे कि यहाँ पे हमें लॉस हुआ है, बट हमें यहाँ पे लॉस नहीं चाहिए, भला ही प्रॉफिट ना हो। तो ऐसे कितने बैग हम बेच सकते हैं जिसमें हमें लॉस ना हो। इफ द नंबर ऑफ ग्रे बैग सोल्ड इज 6,400 बैग, यदि ग्रे सीमेंट के 6,400 बैग बेचे जा रहे हैं तो। अब देखिए, ग्रे सीमेंट को बेचने पर तो हमें लॉस ही होता है एंड व्हाइट सीमेंट को बेचने पर हमें प्रॉफिट होता है। तो यदि ग्रे सीमेंट का 6,400 बैग है, 5 रुपए का लॉस हो रहा है, तो इस तरीके से हम व्हाइट सीमेंट को हमें ज्यादा बेचना पड़ेगा। जब हम व्हाइट सीमेंट ज्यादा बेचेंगे तभी तो हमें प्रॉफिट ज्यादा होगा, प्रॉफिट ज्यादा होगा तभी तो हम इसके लॉस को बैलेंस कर पाएंगे। अब यहाँ पे डाटा के नाम से सिर्फ ग्रे बैग के बारे में बताया है, तो पहले तो हम इस डाटा को यूज कर लें। मतलब ग्रे बैग को बेचने पर क्या लॉस मिलता है, तो पहले हम लॉस निकाल लें कितना हमको मिल रहा है। लॉस लॉस ऑफ 6,400 बैग्स ऑफ ग्रे सीमेंट, तो 6,400 को मल्टीप्लाई कर लें -5 से, क्योंकि अगर एक बैग ग्रे सीमेंट का बेचते हैं तो 5 रुपए का लॉस होता है। तो 6,400 बैग अगर बेचें तो 6,400 को -5 से मल्टीप्लाई कर ले तो पता चल जाएगा कि टोटल कितना लॉस हो रहा है। तो यहाँ पे नॉन जीरो नंबर 64 है एंड यहाँ पे 5 है, तो 5 को 64 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बाकी जितने जीरो हैं उसको बाद में लिख देंगे। तो 5 4 20 होता है, 20 का जीरो ये एंड 2 कैरी एंड 5 6 30 प्लस 2 32 मीन्स 320 आ रहा है 64 को 5 से मल्टीप्लाई करने पर, एंड 20 यहाँ पे है उसको लिख देना है। देन ये प्लस है, ये माइनस है, प्लस इंटू माइनस माइनस आएगा, मीन्स -32,000 का लॉस हो रहा है ग्रे सीमेंट बैग बेचने पर। अब देखिए लॉस हो रहा है कितना, 32,000 का, एंड मुझे ना प्रॉफिट चाहिए ना लॉस चाहिए, मतलब 32,000 रुपए का ही व्हाइट सीमेंट बैग बेचें तो भलाई हमें प्रॉफिट ना हो बट हमें लॉस भी नहीं होगा जो हमें ग्रे बैग से मिल रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है कि नंबर ऑफ व्हाइट सीमेंट बैग्स मस्ट सेल 32,000। तो व्हाइट सीमेंट मुझे 32,000 का तो बेचना है, बट 32,000 में मैं कितने बैग बेच सकता हूं, मुझे बैग निकालना है, नंबर ऑफ बैग कितने बेचे जा सकते हैं। तो अगर 8 रुपए मुझे एक बैग बेचने से मिल रहे हैं व्हाइट सीमेंट के, तो 32,000 मुझे कितने बैग बेचने से मिलेंगे, तो सिंपल 8 से डिवाइड कर दें तो निकल जाएगा टोटल नंबर ऑफ बैग। तो यहां भी आपको नॉन जीरो नंबर को डिवाइड कर देना है, 8 1 8 एंड 8 4 32 मीन्स 4 एंड यहाँ पे 30 है, 4000, मतलब 4000 बैग बेचने पर 32,000 मिलते हैं एंड 6,400 ग्रे बैग बेचने पर 32,000 मिलते हैं। इस तरह से यहाँ पे ना प्रॉफिट होता है ना लॉस होता है। तो हमें पता चल गया है कि व्हाइट सीमेंट बैग के 4000 बैग अगर हम बेचें तो हमें ना प्रॉफिट मिलेगा ना लॉस होगा। ये है आंसर। तो नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू।